सो गाइस फाइनली वेलकम इन पार्ट टू। और आज गाइस हम बची 5 टीमों की स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने पार्ट 1 मिस किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से पार्ट 1 भी देख सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, 1K तक जल्दी जल्दी ले जाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब किंग्स की कि ये टीम किन खिलाड़ियों की रिलीज़ कर सकती है। तो सबसे पहले नाम जॉनी बेस्टो का है, 6 करोड़ में खरीदा था बट उतना अच्छा प्राइस पॉइंट के हिसाब से खेल नहीं पाए, बट मैं कहता हूँ रिलीज़ कर देना चाहिए क्योंकि पर्स भी आपके पास अच्छा बनता है अगर आप बेस्टो को रिलीज करोगे। तो दूसरे खिलाड़ी शाहरुख खान 100% ही रिलीज़ होने वाले हैं, 10 करोड़ के प्लेयर, बहुत ख़राब खेले थे। उसके साथ साथ रोडियन स्मिथ, ये भी बहुत बेकार खेले थे, इनको भी रिलीज़ करना बनता है। साथ ही साथ एक दो और नाम जैसे राज बावा 3 करोड़ में खरीदे गए थे बट 1-2 मैचेस मौके मिले, ख़राब खेले। साथ ही साथ एक दो और खिलाड़ियों को आप रिलीज़ कर सकते हैं, और अगर जिन खिलाड़ियों का नाम लिखा है इनको आप रिलीज़ करोगे ना तो आपके पास 28 करोड़ रुपए बचेंगे। तो आपका सबसे पहला क्या टारगेट होगा, एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पर जाना क्योंकि आप जॉनी बेस्टो को रिलीज़ कर रहे हो। तो उसके साथ साथ लोअर ऑर्डर एक अच्छे बैट्समैन पर जाना क्योंकि अब शाहरुख खान और ओडियन स्मिथ को रिलीज़ कर दोगे तो एक अच्छा फिनिशर भी आपको चाहिए होगा। उसके साथ साथ स्पिनर पे भी जाना होगा इस टीम को, पिछले भी साल राहुल चहर के साथ अगर कोई अच्छा स्पिनर नहीं दिखा था इस टीम में हमें, तो इस टीम की फाइनल प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, तो ओपन शिखर धवन और मयंक अग्रवाल कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा इन्हीं दोनों को करनी चाहिए। मिडिल ऑर्डर पे एक अच्छा बैट्समैन को ऑक्शन में ढूंढना होगा, विदेशी अगर ढूंढते हैं तो स्मिथ, मॉर्गन, मैक्सवेल ये सब मिल सकते हैं। अगर मैक्सवेल ऑक्शन में हुए तो बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, एक बार फिर पंजाब किंग्स अपनी टीम में रख सकती है। और श्रेयस अय्यर जहाँ तक चांसेस है ये ऑप्शन में रहने वाले हैं, तो इनको टीम पर जा सकती है क्योंकि अगर अच्छी पर्स लेके जाएगी तो श्रेयस अय्यर से बेस्ट ऑप्शन कोई होगा ही नहीं। साथ ही साथ सुरेश रैना भी आप जा सकते हैं अगले साल अगर ऑप्शन में हुए तो। 4 पे लियाम लिविंगस्टोन, 5 पे जितेश शर्मा विकेट कीपर, 6 पे इस टीम को एक अच्छा खिलाड़ी चाहिए होगा, एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए होगा और एक कैप्टन भी अच्छा चाहिए। मयंक अग्रवाल कप्तानी करेंगे नहीं, मैं कहता हूँ लियाम लिविंगस्टोन को दे देनी चाहिए, या फिर अब बेन स्टोक्स अगर ऑप्शन में मिले, आप 28 करोड़ लेके जाओगे तो बेन स्टोक्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, आप 15-16 करोड़ आराम से बेन स्टोक्स पर लगा दो और बेन स्टोक्स अगर आपकी टीम में आ गए तो आपकी टीम बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर बेन स्टोक्स ना मिले तो पोलार्ड भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, एक साल बेकार खेले बट हर साल नहीं खेलता कोई खिलाड़ी खराब, पहले बहुत अच्छा खेलते थे आईपीएल में। साथ ही साथ 7 पे अब्दुल शमद अगर मिल गए अच्छी बात है, नहीं तो गुणाल पंड्या मिल गए वो भी अच्छी बात है। 8 पे एक अच्छा स्पिनर चाहिए होगा, हरप्रीत बरार या फिर कृष्णप्पा गौतम में से ये टीम किसी पे जा सकती है, हरप्रीत बरार तो पहले से इस टीम में है। साथ ही साथ अगर सैम करन हुए ऑक्शन में तो ये टीम सैम करन को भी देख सकती है। और उसके बाद 9 पे राहुल चहर, 10 पे गगीस रवाड़ा, 11 पे अक्षदीप सिंह। गाइस अब हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की कि ये टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है। तो सबसे पहला नाम वरुण चक्रवर्ती, मैं कहूँगा रिलीज़ करें, रिटेन किया था बट ख़राब खेले थे बहुत। वेंकटेश अय्यर, ये तो रिलीज़ होने ही वाले हैं, ये भी बहुत बेकार खेले थे। श्रेयस अय्यर, ये भी रिलीज़ होने वाले हैं, लड़ाइयाँ हुई थी मैनेजमेंट के साथ। साथ ही साथ एरॉन फिंच, इनको भी रिलीज़ कर देना चाहिए, ख़राब ही खेले थे ये भी। एलेक्स हेल्स बैकअप थे, मतलब इनके बैकअप थे एरन फिंच, ये तो बाहर होंगे ही। साथ ही साथ मैं कहूँगा शिवम मावी को ये टीम रिलीज़ कर दे, हाँ अच्छा खेल रहा है वो खिलाड़ी बट 7 करोड़ लैक नहीं खेल पा रहे हैं। उसके साथ साथ दो एक और नाम, तो इस टीम के पास अगर इन खिलाड़ियों को रिलीज़ करें ना तो 38 करोड़ का पर्स बनेगा। मैं कहता हूँ अगर चक्रवर्ती को ना भी रिलीज़ करें तो भी ये टीम अच्छे पर्स के साथ जा सकती है ऑप्शन में, चक्रवर्ती को अगर बचा ले जाए, बट मैं कहूँगा रिलीज़ कर दे क्योंकि बहुत सस्ते में जा सकते हैं चक्रवर्ती अगले साल, उस फिर खरीद लेगी, रिटर्न कर लेगी। तो सबसे पहला इनका क्या टारगेट होगा, एक अच्छे ओपनर पे जाना, ओपनर इस टीम के पास है ही नहीं, दो ओपनर्स पे जाना और एक विकेट, एक ऐसा ओपनर जो कीपिंग भी कर सके। हाँ इनके पास शेल्टन जैक्सन है कीपरिंग के लिए बट उनकी भी जगह टीम में अगले साल बनेगी नहीं क्योंकि रिंकू सिंह आ गए हैं, अब उनकी जगह बनेगी नहीं। तो सबसे पहला अगर अच्छे, मैं कहता हूँ अगर अच्छे खिलाड़ी पे जाए ना तो जॉनी बेस्टो और पृथ्वी शॉ की अगर ओपन जोड़ी मिल जाए तो ये टीम बहुत खतरनाक हो सकती है। बट एक और दो नाम है जैसे ईशान किशन, अगर ये ऑक्शन में हुए मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बट मुंबई इंडियंस शायद ही इनको रिलीज़ करे क्योंकि अब खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा। और उसके साथ मिडिल ऑर्डर अच्छे बैट्समैन पे ये टीम को जाना होगा क्योंकि श्रेयस अय्यर को आप रिलीज़ कर रहे हो, सिर्फ राणा है तो राणा के संभाल नहीं पाएंगे, बहुत बल्ले एक दो बल्लेबाजों को तो रखना ही होगा। मैं कहूँगा मॉर्गन को एक बार फिर ये टीम बैक कर सकती है क्योंकि मॉर्गन का की कप्तानी बहुत अच्छी रही थी, आधे सीज़न के बाद आए थे और कोलकाता को फाइनल तक ले गए थे, स्थिति नहीं थी कोलकाता की फाइनल तक जाने की, जब मॉर्गन आए थे तो कोलकाता 7 पे थी 2021 की ये बात है। तो मॉर्गन पे ये टीम जा सकती है, स्टीव स्मिथ भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, इसके साथ साथ ये इस टीम को स्पिनर अच्छे ढूंढने होंगे।
जो कि लेग स्पिनर और कई सारे हैं, एडल रशीद, एलचन रैम्पा, श्रेयस गोपाल ऑप्शन में मिले तो ये भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो इनकी फाइनल प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, तो पृथ्वी शॉ के साथ जॉनी बेस्टो या फिर ईशान किशन कोई ओपन करे नंबर 3 पे, एक अच्छा ये इन्हीं मतलब तीनों में से कोई दो ओपनर्स बनाने होंगे। नंबर 3 पे स्मिथ मॉर्गन, रैना मैक्सवेल, इतने ऑप्शन हैं, आप किसी एक पे जाएं। 4 पे नीतीश राणा, 5 पे रिंकू सिंह, 6 पे आंड्रे रसल, 7 पे हाँ सुनील नारायण को अगर आप रखते हो तो सुनील नारायण को खिलाओ। अगर ओवरसीज़ का कुछ दिक्कत पड़ती है तो आप किसी अच्छे खिलाड़ी पे जाओ, मान लीजिए कुणाल पांड्या के लिए सलेक्शन में मिल सकते हैं या फिर कृष्णा पाकौतम। उसके साथ नंबर 8 पे पैट कमिंस, नंबर 9 पे श्रेयस गोपाल, आदिल रशीद, एडम रैम्पा ऑप्शन है आपके पास, बट आप अगर विदेशी पुल खाली रहता है तो आप आदिल रशीद या एडम रैम्पा पे अच्छे जा सकते हो, या फिर अगर आप इंडियन खिलाड़ी पे जाना चाहते हो, वरुण चक्रवर्ती को मैं नहीं कहूँगा रिली, बाद में बैक कर सकती है, बट अगर ना बैक हुए तो आप श्रेयस गोपाल पे जाओ क्योंकि हैदराबाद उनको रिलीज़ करने वाली है, जहाँ तक चांसेस है। नंबर 10 एंड 11 टिम साउदी और उमेश यादव, 11 पे अगर शिवम माबी को आप बैक कर सको क्योंकि आपके पास पैसे अच्छे हैं, शिवम माबी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है नहीं, अगर शिवम माबी को आप ना भी रिलीज़ करोगे फिर भी आपके पास 31 करोड़ बचेंगे, बट मैं कहूँगा रिलीज़ कर देना चाहिए, सस्ते में एक बार फिर ले सकते हो। फाइनली लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम की बात करते हैं, राजस्थान रॉयल्स, ये टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज़ करेगी, बहुत कम खिलाड़ियों की टीम रिलीज़ करने वाली है, एक दो खिलाड़ियों को ही रिलीज़ करेगी, जैसे कि नेथन कूटनाइल हो गए, इनको इन्हीं को सबसे ज़्यादा चांसेस रिलीज़ कर सकती है। उसके साथ साथ नवदीप सैनी मैं कहूँगा रिलीज़ इनको भी कर देना चाहिए, थोड़े पर्स ही बचेंगे। एक दो और खिलाड़ी जैसे करुण नायर हो गए, डैन मिचेल हो गए और रेसी वेंडर डसन को भी ये टीम रिलीज़ कर सकती है क्योंकि प्लेयर्स भारे हैं इस टीम में बहुत अच्छे अच्छे, और क्योंकि टारगेट भी एक दो होंगे क्योंकि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की कमी है इस टीम में। हाँ संजू सैमसन है बट नंबर 4 का एक अच्छा, आप अश्विन को पिछले साल खिलाते थे, दिक्कत पड़ी थी नंबर 4-5 के लिए, तो सिर्फ एक इनको अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए सिर्फ। और श्रेय मान लीजिए 9 करोड़ रहे इस टीम के पास, बट श्रेयस अय्यर को मिलना मुश्किल है, बट रैना को ये टीम ले सकती है, रैना पर टारगेट कर सकती है, या फिर स्मिथ मॉर्गन सस्ते मिल जाएंगे, ये भी अंपति रायडू अगर ऑप्शन में ये भी सस्ते मिल सकते हैं, मैक्सवेल तो आई मीन भूल जाइए, रॉड रॉडर एक अच्छे बैट्समैन को ये टीम ले सकती है क्योंकि नंबर रियान पारा का अकेले पड़ जाते हैं, तो अब्दुल समद सस्ते में मिल जाएंगे 2-3 करोड़ में, या फिर शाहरुख खान भी इतने में मिल जाएंगे, ये दोनों मिले तो अच्छी बात हो जाएगी। तो फाइनल प्लेइंग 11 इनकी कैसी बनने वाली है, जॉस बटलर के साथ देवधर पडिकल या फिर यशस्वी जायसवाल में से कोई एक ओपन करे, 3 पे सैमसन खेले, 4 पे रैना ऑप्शन में मिले खरीद लीजिए, सस्ते मिल जाएंगे, विदेशी पूल खाली रहा तो स्मिथ मॉर्गन आप इन पे भी जा सकते हो, नंबर 5 पे शाहरुख खान, अब्दुल समद, इन्हीं दो पे जा, पुलाड़ी स्टोक्स को छोड़ दो, ये दो में से कोई एक मिल जाए बढ़िया होगा। नंबर 6 पे रियान पराग, 7 पे अश्विन, 8 पे बोल्ट, 9 पे मकॉय, 10 पे कृष्णा और 11 पे चहल। सो गाइस जब हम बात करते हैं आपकी फेवरेट टीम आरसीबी की, सबसे ज़्यादा फ़ैन इसी टीम के हैं, विराट कोहली के सबसे ज़्यादा फ़ैन हैं, तो आरसीबी की अब बात करते हैं, तो आरसीबी के इन खिलाड़ियों को रिलीज़ करने वाली है, तो ग्लेन मैक्सवेल आई मीन बहुत महंगे में इनको रिटेन किया था, परफॉर्मेंस वैसा दे पा नहीं रहे, मैक्सवेल को एक बार फिर मैं कहूँगा रिलीज़ करके सस्ते मिले, बट मैक्सवेल सस्ते में जाने नहीं वाले हैं, बट अगर आप मैक्सवेल को नहीं रिलीज़ करोगे तो किसको आप रिटेन करोगे भाई, यही बता दीजिए, मतलब किसको आप रिलीज़ करोगे, आपके पास पैसे भी नहीं बचेंगे। एक ऑप्शन सिराज को आप कह सकते हैं रिलीज़ कर सकती है टीम, बट मेरी माने तो ना करें क्योंकि आप इंडिया के वो एक मेन प्लेयर टेस्ट के बन चुके हैं सिराज, तो ग्लेन मैक्सवेल, अनुज रावत इनको भी रिलीज़ कर दिए टीम, डेविड विली इनको भी रिलीज़ करें, करण शर्मा लग के चलते लिए गए थे बट परफॉर्मेंस ऐसा कर नहीं पाया, तो इतने खिलाड़ियों को अगर ये टीम रिलीज़ करेगी तो 20 करोड़ रुपए बचेंगे, बहुत बड़ा टारगेट इनका होगा नहीं, तो पहला टारगेट होगा एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज पे जाना, बहुत बड़े नहीं छोटे पे ही काम आप चला सकते हैं क्योंकि आपके टीम में रजत पाटीदार हैं, पहले से ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, 20 करोड़ है, अगर आप 10-11 करोड़ ईयर पर लगा देते हो अच्छी बात है, बट मैक्सवेल को भी लो प्राइस में खरीद सकते हो, अंबती रायडू का भी ऑप्शन है, सुरेश रैना का भी ऑप्शन है, विदेशी में मॉर्गन स्मिथ है ही, उसके साथ साथ लोअर ऑर्डर बल्लेबाज पे आपको जाना हो वेंकटेश अय्यर हैं, पोलार्ड हैं, बेन स्टोक्स हैं, बट बेन स्टोक्स को तो आप भूल जाइए, 20 करोड़ में नहीं ले पाएंगे आप बेन स्टोक्स को, इंडियन भी है समद खान, उसके साथ साथ ऑलराउंडर्स पे भी इनको जाना होगा और पेसर्स पे भी, तो जो इनकी फाइनल प्लेइंग 11 बनेगी वो होगी कुछ ऐसी, इसमें ओपनिंग कर सकते हैं विराट कोहली एंड फाफ डू प्लेसेस, 3 पे रजत पाटीदार, 4 पे एक अच्छा प्लेयर आपको ढूंढना होगा मैक्सवेल को, अगर आप रिटेन करते हो तो मैक्सवेल ही सही रहेंगे या फिर आप किसी और प्लेयर पे जा सकते हो, जैसे कि स्मिथ, रायडू, अय्यर पे भी आप देख सकते हो 10-11 करोड़ मिल जाएंगे अगर आप 20 करोड़ लेके जाओगे तो। 5 पे दिनेश कार्तिक, 6 पे स्टोक्स, करण, समद, शाहरुख, स्टोक्स को तो भूल जाइए, करण मिल सकते हैं 7-8 करोड़ में, इसके साथ साथ समद और शाहरुख भी हैं, उसके साथ साथ नंबर 7 पे शहबाज़ अहमद, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं शहबाज़ अहमद, मौके हर मैच में मिल रहे हैं,
बट कुणाल पांडे और कृष्णपाल गौतम भी है अच्छे ऑप्शन में, अगर मिले ऑप्शन में तो आप जा सकते हैं नंबर 8 पे वरांडू हसरंगा, 9 पे हर्षल पटेल, 10 पे जॉस एटलवुड और 11 पे मोहम्मद सिराज। तो चलिए लास्ट टीम की हम बात कर लेते हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की, मेरी फेवरेट टीम है मैं बता देता हूँ। तो ये टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती है, तो मैं कहूँगा कि अब्दुल शमद को बाहर करें, श्रेयस गोपाल को, मार्को एनसन को और मारियो शेफर्ड को, इनको तो करे ही बाहर क्योंकि महंगे बहुत हैं, परफॉर्मेंस बेकार दी है। उसके साथ साथ ग्लेन फिलिप्स को ये टीम बाहर कर सकती है, शीना भट्ट को, विदेशी पूल खाली कर ले कुछ, और सौरभ दुबे को भी मैं कहूँगा बाहर कर दें। तो जो इनका टारगेट बनेगा वो होगा एक अच्छे लोअर ऑर्डर इंडियन बल्लेबाज पे जाना, लेग स्पिनर पे जाना एक अच्छे, और पेसर्स पे जाना। तो इनकी जो फाइनल 11 बनने वाली है वो कुछ ऐसी होगी, अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी को मैं इन्हीं दो ओपनर्स पे जाऊंगा क्योंकि ये दोनों अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं। 3 पे विलियमसन खेलें क्योंकि ओपन पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए थे। 4 पे पूरन आए, पूरन को जितने ऊपर खिलाओगे ना उतना वो अच्छी बल्लेबाजी करेगा, और केन विलियमसन का आप बैकअप प्लेयर बना के रखो, मार्करम को हर मैच में मौका ना दो। साथ ही साथ नंबर 5 पे एक अच्छा हार्ड हिटर आपको ढूंढना होगा क्योंकि अब्दुल शमद पिछले साल आपने रिटेन किया था, 2 मैचेस खिलाए, परफॉर्मेंस अच्छा दिए नहीं, और वेंकटेश अय्यर एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, शाहरुख खान अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, मनीष पांडे को एक बार फिर आप ले सकते हो, पांड्या भी हैं। 6 पे अगर आप 20 करोड़ लेके जाओगे ना तो एक या तो आप पोलार्ड पे चले जाओ, करण पे चले जाओ, ओडियन स्मिथ पे चले जाओ। स्टोक्स तो दूर की बात है क्योंकि आपको और भी खिलाड़ी लेने हैं, स्टोक्स 17-18 करोड़ से कम में जाने वाले नहीं है। नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर, 8 पे एक अच्छा स्पिनर आपको ढूंढना होगा, विदेशी स्पिनर, आप एडम जैम्पा या फिर आदिल रशीद पे जा सकते हो। 9 पे भुवनेश्वर कुमार, 10 पे उमरान मलिक और 11 पे नटराजन, नटराजन का अगर फॉर्म न चले तो कार्तिक त्यागी आपके पास मौजूद है। तो गाइज ये थी बची 5 टीमों की स्ट्रैटेजी, अब हमने 10 टीमों के आपको बता दिया, और आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 1K आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो, हमारे सब्सक्राइबर्स आपके लिए भी कई सारे सरप्राइज आएंगे अगर आप 1K कंप्लीट करवा दोगे। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, और पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हो।